बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वाले वसाबी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह ठीक होंगे। अंदाज़ अपना मैं आपको खुशामदेद। आज मैं लंच में लेके आई हूँ ब्राउन छोटा लोबिया, यह हम मसाले वाला रेडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन चीज़ों की जरूरत है, एक पाव मैंने ब्राउन लोबिया लिया छोटा, रात को भिगो के रख दिया था, सुबह मैंने वाश करके रखा है। इसे टमाटर की प्यूरी लेंगे, दो दर टमाटर लेंगे, उसकी प्यूरी बना लेंगे। मसालों में जाएगा एक टेबल स्पून बरकर सुरख मिर्च, दो टेबलस्पून कुछ धनिया और जीरा पिसा हुआ, नमक हसबे जायका, हाफ टी स्पून हल्दी, प्याज जाएगा दो अदद बड़े साइज वाले, और लहसुन जाएगा 8 टेबलस्पून और अदरक जाएगा हाफ टी स्पून टेबलस्पून, घी जाएगा और पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हा ऑन करते हैं। ये मसाले वाला बहुत मजे का बनता है ब्राउन छोटा लोबिया, जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा देशी को गर्म कर लेते हैं। आप घी ले लें, आप ऑयल ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम गर्म करते हैं। जब गर्म होएगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। ठंडे घी में कभी भी प्याज नहीं ऐड कीजिएगा, उसकी स्मेल सारी खराब आपको लगेगी, वो पानी छोड़ देगा प्याज और इसकी स्मेल ज़रा अच्छी नहीं लगती कुकिंग में। ये बात भी आप ज़रूर नोट कीजिएगा, गरम घी में डालकर प्याज चेक कीजिएगा और ठंडे में डाल के चेक कीजिएगा। इसमें ज़्यादा मनी रहे, बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए थे, आप छोटे हुए तो 3 लीजिएगा। मसाले बनाते वक्त थोड़ा सा प्याज और लहसुन ज़्यादा जाता है, इसका मसाला रेडी होता है। अगर हम प्याज कम डालेंगे तो मसाला भी कम बनेगा, वो ड्राई ड्राई खुशे खुशे से बनता है, कम ग्रेवी वाला, फिर वो मज़े वाला नहीं लगता। प्याज देखिए थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया, अब इसके अंदर लहसुन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, अच्छे से रेडी करना है, घी कम ना हो, फिर खुशे खुशे से बनेगा, ग्रेवी उसकी शाइनी नहीं होगी। मैंने आगे ये राजमा वाइट लोबिया सिखाया था आपको, बहुत मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। छोटा लोबिया उससे भी ज़्यादा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। बाज़ लोग लेमन डाल के भी खाते हैं, लेमन ऊपर छिड़के, पर हमें इतना लाइक नहीं है लेमन, हम सिंपल ही करते हैं पसंद। इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करके फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और पूरी वीडियो वॉच किया करें, प्लीज़ हाथ छोड़ा ना करें और एक दो मिनट देख के फिर कमेंट्स किया करें। मसाले ऐड करूँगी, इसके ज़्यादा रख ले रहे, अच्छे से मिक्स करें। पहले इनको ब्राउन करना है, हल्का सा ज़्यादा नहीं, मिर्चों को ब्राउन करना लाजमी है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करती हूँ, ग्रेवी इसके अंदर डाल देता है, टमाटर की प्यूरी सॉरी, अदरक ऐड करूँगी, टमाटर की प्यूरी का जायका इसके अंदर बहुत मज़े का लगता है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी कि मसाला लगे ना, अगर ये जल जाता है ना मसाला तो इसका जायका खराब हो जाता है। थोड़ा सा और मसाले में पानी ऐड करूँगी कि अच्छे से प्याज और गल जाए और मैश हो जाए। अब मैं इसको डाल के रखूँगी जब तक मसाला हमारा रेडी ना हो जाए। जब थोड़ा सा प्याज गल जाएगा फिर मैं इसको भूनूंगी, मैंने लाइट सी आंच कर दी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर है, अच्छे से इसको मैश करते जाएं। मसाले को भूनते जाएं, जब ये घी छोड़ देगा उसके बाद ये रेडी होगा। मसाले की यही निशानी है, जब इसका घी छूट जाए ये रेडी हो जाता है, साइड से साइड पे आ जाता है घी और सेंटर में आ जाता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर है,
मटरों लोबिया बहुत मज़े का बनता है, छोटा मटरों लोबिया भी होता है, बड़ा भी होता है, और वाइट वाला भी, बहुत सारे ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें चिकन भी ऐड करते होते हैं, वो भी बड़ा मज़े का लगता है, इंशाल्लाह वो भी बहुत मज़े का बनता है। लोबिया ऐड करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे पहले अच्छे से चुन लें, रात को भी भिगो के रख दीजिएगा। बर्तन को अच्छे से साफ करती हूँ। ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छे से इसको मैं मिक्स करती हूँ। अब इसमें पानी ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेढ़ ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया इसके अंदर, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको ढाँक के रख दूँगी। आँच मैं पहले तेज़ करूँगी, जब इसको बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसको लाइट आँच पर पकाऊँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको बॉयल का वेट करती हूँ। बॉयल आना शुरू हो गया, अब मैं इसकी लाइट आंच कर देती हूँ, बिस्मिल्लाह। बहुत भी मीडियम नहीं करनी कि ये पके ही ना, बस लाइट आंच ही हो जाए। मैं इसको गलने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, थोड़ा सा ये रह गया कनी का, हल्की सी कनी रह गई है इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। देखिए इसको अब थोड़ी देर के लिए मैं रखती हूँ लाइट आँच पर, तो ये जब रेडी हो जाएगा फिर इसके अंदर गर्म मसाला ऐड करेंगे और हरी मिर्ची ऐड करते हैं। लोबिया चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह रेडी हो गया, गल गया अच्छे से, पानी भी इसका ड्राई हो गया। अब इसके चूल्हा बंद करते हैं, गर्म मसाला ऐड करूँगी, हरी मिर्ची ऐड करूँगी। हरी मिर्ची डाल के मैं इसको पकाऊँगी नहीं, मिर्चें फिर तेज़ हो जाएंगी, इसका जायका ऐसे फ्रेश ही ठीक है। अच्छे से मिक्स करूँगी, डिश में निकालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का बना है लोबिया मसाले वाला, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरी वॉच किया करें, फिर कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। देखिए इसका कलर कितना नाइस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो चीज़ें बनाती हूँ आपके लिए वो बहुत ही मज़े की बनती हैं। व्यूअर्स देखिए ब्राउन छोटा लोबिया हमारा रेडी है, और घी भी इसने कितना अच्छा नाइसली छोड़ा है। देखिए माशाल्लाह, ये मसाले वाला लोबिया आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। और प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच किया करें, मेरा वॉच टाइम पूरा हो, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आपके दसरा में बरकत डाले। आमीन सुमामीन। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।